इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का प्रदर्शन। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे अनियमित कर्मचारी। अनियमित कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर से खबर, जहां पर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का बड़ा प्रदर्शन। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल में प्रदर्शन किया जा रहा है। सीएम हाउस का घेराव भी करेंगे अनियमित कर्मचारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनियमित कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनियमित कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी भी है। अनियमित कर्मचारी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा का ये बड़ा प्रदर्शन। सीएम हाउस घेरने की तैयारी भी अनियमित कर्मचारियों ने कर ली है। अपनी मांगों को मंगवाने के लिए ये बड़ा प्रदर्शन अनियमित कर्मचारी करने जा रहे हैं, और इसके साथ ही आज सीएम हाउस घेरने की तैयारी भी की जा रही है। रायपुर से यह खबर, जहां पर सीएम हाउस का घेराव करने की तैयारी कर ली है अनियमित कर्मचारियों ने। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनियमित कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोहम्मद हसन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, अनियमित कर्मचारी बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, सीएम हाउस का घेराव करने की भी तैयारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस मामले में? और देखिए बिल्कुल योगिता, आज छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राजधानी रायपुर के जो तूता धरना स्थल है वहां पर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हजारों कर्मचारी जो हैं अलग अलग जिलों से यहां राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर पहुंचे हुए। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पहले भी आपको बता दें कर्मचारियों ने कई बार प्रदर्शन किया, और आज सीएम हाउस का घेराव भी किया जा रहा है। इसी के चलते आज जिले भर से अलग अलग विभागों में जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए। 5 सूत्री मांगे, जिसमें प्रमुख तौर पर बात करें तो नियमितीकरण की मांग को लेकर के पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रांतीय संयोजक है गोपाल जी, किन मांगों को लेकर के क्या प्रमुख मांगे और प्रदर्शन हो रहा है? जी, हमारे 5 सूत्री मांग है। सबसे पहला नियमितीकरण तक मास्टर वर्ड्स की जाम गारंटी है, और जो दूसरा हमारी मांग है जो हमारे साथी को निकाला गया हम चाहते हैं उसकी बहाल करे सरकार। तीसरा जो आंस का लिखा जिसके लिए दो घंटे 4 घंटे काम ले जाता है उससे हम चाहते हैं कि सरकार उसको पूर्णकालीन करें। और चौथा आउटसोर्सिंग ठेका की मांग है, जो सरकार ने कमिटमेंट किया था कि हम हमारी सरकार बनेगी तो आउटसोर्सिंग ठेका बंद करेंगे। इसी प्रकार हमारा जो 5वां मांग है, जो दिवंगत शिक्षककर्मी हैं उनके परिजन हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति देने की बात है। इन सारी चीज बिंदुओं पर हम काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज 10 दिन में नियमित करने की कमिटमेंट था उनका, लेकिन आज साढ़े चार साल से अधिक समय हो गया और सरकार हमारे जो नियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी के बारे में किस प्रकार की सोच नहीं रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी क्या है। ये बता दें कि वादा किया गया था घोषणा पत्र में, लगभग कितनी संख्या आप लोग की और किन किन विभागों से आज राजधानी रायपुर पहुंचे? देखिए, इसमें हमारे पास लगभग सभी विभाग के जो 54 विभाग के हमारे कर्मचारी अलग अलग संगठन के 37 संगठन के लोग आए हुए हैं, प्रतिनिधि आए हुए हैं, और इनकी संख्या अलग अलग है। जैसे मैं बात करूंगा, जो हम चाहते हैं कि संविदा दैनिक वेतनभोगी या मानदेय के जो कर्मचारी उसको तत्काल नियमित कर सकता है, और जो अंशकालीन है उसको पूर्णकालीन करना है, आउटसोर्सिंग ठेका बंद करना है, उसके बाद एक नीति के तहत उसको नियमित करना है। नियमितीकरण में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है राज्य सरकार को? देखिए, सरकार क्या है, असंवेदनशील हो गई है। हम अभी से नहीं, हम 4.5 साल से निरंतर आवेदन निवेदन करते आ रहे हैं। इवन क्या है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमने अनेक बार मिलने की बात की है, लेकिन उसने हमको समय दिया नहीं है। तो इसके अलावा एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगा, आज तो एक दिवसीय प्रदर्शन है और घेराव भी कर रहे हैं, आगे क्या रणनीति रहने वाली? देखिए, ये हमारा अंतिम में ये पहला चरण का कार्यक्रम है कि आज हम धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे चरण में हम दीवार लेखन करेंगे, और दीवार लेखन के माध्यम से हम अपनी पीड़ा को आम जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि सरकार हमारी बातों को सुन नहीं रही है। तीसरा यदि क्या है, हमारे बातों पर ध्यान नहीं देती, जो हम तीसरा हमारे चरण है जिसमें जो विधानसभा सत्र शुरू होगा अभी मानसून सत्र, उसके एक दिन पहले मनीषितकालीन आंदोलन। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी हैं सरकारी कर्मचारी वो यहाँ पर पहुंचे, नियमितीकरण की मांग को लेकर के पूरा प्रदर्शन हो रहा है। 5 सूत्री मांगे, इनका यही कहना है घोषणा पत्र में वादा किया गया था नियमित करने का, लेकिन अब तक नियमित नहीं किया गया, जिसके चलते अब ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आने वाले समय में अब दीवार लेखन करके जो प्रदर्शन है वो किया जाना है। फिलहाल कर्मचारियों ने 10 दिन की मोहलत दिया, 10 दिन
में इन्हें नियमित ही किया जाता, तो दीवार लेखन के जरिए यहाँ पर प्रदर्शन किया जाना जी है। हसन, बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए। तो आंदोलन का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में दीवार लेखन किया जाएगा और इसके जरिए अपनी मांगों को पूरा करने की मांग की जाएगी। तो मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करने की तैयारी में यहाँ पर अनियमित कर्मचारी दिख रहे हैं।